वेलकम टू माय टुडे ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल रहा था, इसलिए आज मैं सोचा है कि ब्लॉग बना लूँ। थोड़ा सा टाइम मिल गया और आज मैं ब्लॉग बनाने जाऊंगा। यहाँ से मतलब लगभग 20 मिनट, 15 या 20 मिनट लगेगा। एक दरगाह है, काफ़ी मतलब यहाँ मशहूर दरगाह है। बहुत दूर दूर से आदमी आता है और आदमी बीमारी भी अच्छा होता है। और इसका थोड़ा स्टोरी भी मैं बताऊंगा, जितना मुझे जानकारी है इतना बताऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को। तो भाई हम आ चुका है अभी 10 मिनट का दूरी पर। तो ये बैक साइड में जो घर दिखाई दे रहा है, ये मेरा बुआ का घर है। और अभी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रहता है। यहाँ से फिर और 10 मिनट या 5 मिनट जैसा लगेगा हमको। देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया एक पिछारी है। यहाँ चारों तरफ मतलब आम का पेड़ है, यानी कि मैंगो का पेड़ है, काफ़ी शानदार। यहाँ जब मैंगो का मौसम आता है काफ़ी बढ़िया से पकड़ता है। इस रोड से जाने से आपको डबल रोड मिलेगा, यानी कि लाल फूल। और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ इस रोड से, और 5 मिनट लगेगा मुकाम मिल जाएगा, यानी कि दरगाह। अभी हम आ चुका है, ये जो दवाल दिखाई दे रहा है ये दवाल है, इस बस्ती का मतलब कब्रिस्तान है। और यहाँ भी एक शानदार बड़ा वाला पिछारी है, मछली बहुत है। तो भाई हम आ चुका है दरगाह का जो मेन रास्ता है, ये रास्ता है। और ये साइड में एक तालाब है, बड़ा वाला तालाब। और मैं आगे चलता हूँ अभी। यहाँ फास्ट आपको मिलेगा एक मंदिर, उसके बाद मिलेगा छोटा सा एक मस्जिद इबादत करने के लिए, उसके बाद दरगाह, उसके बाद घर मिलेगा मतलब आदमी रहने के लिए। और अल्लाह के नाम से जो भी शिन्नी या कुछ भी आता है सब कुछ यहाँ रेडी करके बना सकता है। अब भी आप देख सकते हो फर्स्ट में एक मंदिर मिलता है, यहाँ एक मंदिर है, ये है मंदिर। यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, तो पहले वहाँ जाता है उसके बाद यहाँ आता है, ऐसा कोई यहाँ रुकता है उसके बाद वहाँ जाता है। यह फिशरी, इसका वही पानी दवाई के लिए यूज़ किया जाता है। लोग आने से बोतल से यहाँ से पानी लेके जाता है। और बड़ा बड़ा मछलियाँ है या नहीं है इतना मुझे पता नहीं है। और यहाँ थोड़ा बैठ के बात करते हैं, उसका थोड़ा जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ बैठ के थोड़ा डिटेल्स में बात करूँगा, आप लोगों को शेयर करूँगा कितना मतलब कहानी कैसा है, क्या है नहीं है, जितना मुझे जानकारी है। और बीच में कितना गैप है और मंदिर और दरगाह दिखाते हैं मैं सामने की कैमरा से। देख सकते हो इतना डिफरेंस है, बीच में कितना होगा, 15 या 20 फीट जैसा होगा, इतना ही है। और ये जो घर दिखाई दे रहा है ये मस्जिद है, और वो साइड में मैं जाके बाद में दिखाऊंगा। तो भाई अभी राइस छिन्नी दिया गया है, अभी कोई लेके आया, तो अभी हम हैंड को वॉश करते हैं। साइड कर रहे इतना राइस बच गया, मैं अभी इसको यहाँ मछलियाँ है उसको भी खिला दूंगा। मैं अभी आने का पहले खाना खा के आया। तो भाई अभी हमने जगह चेंज की, इसलिए यहाँ थोड़ा अच्छा सा हवा लग रहा है, क्योंकि ये पीछे की तरफ यहाँ पूरा पानी है, समंदर का जैसा थोड़ा सा नज़ारा लग रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के यहाँ बैठ के मतलब थोड़ा जानकारी दे दूँ, यहाँ आना कैसा है, पहुँचना कैसा है। अगर आप त्रिपुरा की रोड से उस तरफ से अगर आएँगे तो आपको लीलम बाजार छोड़ के आपको लाल पुल उतरना होगा। लाल पुल बोल के एक जगह है, यानी कि उधर पास पीर का दरगाह है, वहाँ उतर कर रेलवे पट्टी मिलेगा। रेलवे पट्टी क्रॉस करके आपको आना होगा, वहाँ एक हाउस मिलेगा, लंडनी हाउस, ठीक है। वो हाउस छोड़कर आपको थोड़ा आगे आना होगा, वहाँ किसी को भी पूछने से आप सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। और आप करीमगंज से या सिलचर से आने से आपको वही पास पीर का जो दरगाह है वहाँ उतरना होगा। उतरने के बाद आप सीधा रेलवे पट्टी क्रॉस करके, एक ही रोड है, दूसरा कोई रोड नहीं है,
लंडन हाउस इतना तक आने के बाद लोगों को पूछ लीजिए क्या, क्योंकि लंडन हाउस छोड़ के थोड़ा आगे मतलब दो रास्ता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आदमी को पूछ लेना, वहाँ दुकान भी मिल जाएगा। तो भाई यहाँ का पहले मैं थोड़ा सा नज़ारा चारों तरफ दिखा दूँ। मैं अभी जहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ एक ईदगाह है, ठीक है, यहाँ नमाज ईद का दिन नमाज पढ़ाया जाता है। इस तरफ से फास्ट वाला, इस तरफ से एक रास्ता रखा गया और ये इतना इतना तक है, इतना बड़ा नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन हो सकता है, 5 कतार, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए 5 लाइन आदमी यहाँ पढ़ सकता है। तो ये कुछ हिस्सा है, यहाँ दो पोस्ट है, एक पोस्ट से इतना तक मस्जिद है इबादत करने के लिए, और बाकी हिस्सा है दरगाह का। और यहाँ मतलब ईद का समय में नमाज़ पढ़ाया जाता है, इमाम साहब यहाँ बैठ के खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है। और बाकी हिस्सा ये साइड में कुछ हिस्सा है मतलब कब्रिस्तान यहाँ। तो भाई ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये घर आदमी रहने के लिए, हफ्ते में आदमी आता है यहाँ रहता है बीमार ठीक होने के लिए, आप भी रह सकता है। और ये सामने के नज़ारा दरगाह का कुछ इस तरह का है, यहाँ दान पत्र साइड में है, बक्स यहाँ आप दान कर सकते हैं। तो भाई ये देख सकते हो दरगाह का अंदर, तो दरगाह का बाएं साइड में कुछ नजर में आया, तो वहां एक घर नजर आ रहा है, देखते हैं क्या है। तो भाई इस तरफ ये एक छोटा सा दरगाह है, तो ये भी मैं दिखता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा अंदर में। यहाँ उसके पास ही में, उसके बाउंडर के अंदर ही है ये एक छोटा सा दरगाह है। ये कौन है, उनका साथी है या और कोई मालूम नहीं, या अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है मालूम नहीं। ये अंदर में जा सकता हो क्या? ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है मतलब, यहाँ मतलब टूटा के नहीं बनाया, ये नया वाला नहीं है, ये बहुत पुराना वाला है। ये साइड में भी और एक है, भाई ये जो बड़ा वाला दरगाह है ना, उनका थोड़ा कहानी मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। मतलब ये वोली जो है ना, ये एक आदमी का घर में रहता था, और एक दिन अचानक क्या हुआ, ऐसे खेती के बीच में उधर मतलब कुछ बच्चों लोग खेल रहा था, ऐसा कहानी मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा सोने के बाद, सो गया था अचानक, सोने के बाद कहा मेरा ऊपर में पत्ते डालो, कचरा डालो, ऐसा कुछ बोला था। बोलने के बाद तुरंत मिट्टी मतलब दो तरफ हट गया और बीच में गड्ढे हो गया, ठीक है, वो गड्ढे में घुस गया। और उसके बाद उसका जो ऑनर है ना, जिनका घर में रहता है, जिनका घर में रहकर काम करता था ऐसा सुना है, तो वो तुरंत आया। सुनने के बाद, आने के बाद वो बोला हमको साथ में लेके जाओ, साथ में लेके जाओ। बोलने के बाद वो अंदर में छोटा वाला एक नज़र में आया आप लोगों को, एकदम छोटा वाला एक रज़ा है दरगाह, दरगाह का अंदर छोटा वाला एक कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान उनका साथी का है, जिनका घर में रहता था वो पीछे आया। आने के बाद बोला हमको साथ में लेके जाओ, वो भी उधर ही मतलब मिट्टी ऐसे बीच में गड्ढा हो गया और वो भी अंदर चला गया, ऐसा कुछ कहानी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं। तो चलो भाई अभी यहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा सा कहानी मतलब बीमारी कैसे क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। बीमारी यहाँ एकदम लंगर से बांध के लेके आता है, ताला वाला मार के, ठीक है, बांध के लेके आता है। लेके आने के बाद बीमारी को मतलब दरगाह का पोस्ट के साथ बांध के रखता है, उसके बाद यहाँ से ठीक होने के बाद जाता है, अच्छा होने के बाद, ऐसा कहानी है यहाँ का। बहुत बड़ा बड़ा बीमारी दूर हो जाता है यहाँ रहने से, आके आपको रहना होगा।
हफ्ते में एक दिन गुरुवार को। भाई इस होली का पूरा नाम है हजरत शाह शामेर दिन, और लोग कहता है समरुद्दीन समरुद्दीन, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नाम कहने से भी कोई भी जानकारी आपको मिल जाएगा। समरुद्दीन समरुद्दीन लोग कहता है, और पूरा नाम है हजरत शाह शामेर दिन। तो ये दरगाह मतलब बीमारी के लिए बहुत अच्छा है भाई, जितना भी बीमारी हो, जितना बड़ा बीमारी हो, जितना भी पुराना बीमारी हो, आने से ठीक होता है। ऐसे बहुत लोगों को आप पूछ भी सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब यहाँ का एड्रेस आना कैसा है मैं दे दूँगा, और बाकी सारा जिम्मेदारी आपका ऊपर है। अगर शेयर करना कुछ भी करना उसका जिम्मेदारी आपका ऊपर है। ऐसे बहुत सारी बीमारी है, आप शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई अभी हम आकर पहुंच चुका हूँ घर। आज का वीडियो करता हूँ यही पर एंड। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो भाई, के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।